इतनी भाई अब होगा मजा। और मामू यहाँ पे आने वाले हैं और रुक भी गए हैं और हमें भागना पड़ेगा। सो हेलो गाइज, वन सेकंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी चल रहे हैं हम लोग संडे नाइट पे। एक्चुअली सुबह को नहीं जा पाए थे क्योंकि भाई सुबह को अपनी नींद खुलती नहीं है, तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा निकल रहे हैं टुवर्ड्स बख्तियारपुर। एज ऑलवेज भाई महाविहार का राइड होने वाला है और अपने साथ कुछ 3-4 या 5 बाइक्स होने वाले हैं और भी कुछ लोग हैं वो ज्वाइन करेंगे रास्ते में। तो अभी यहाँ से निकलते हैं एंड सीधा मिलते हैं आप लोगों से गोप्रो पे। आज हमने बाइक भी वॉश करा लिया है तो पहले वो क्लिप एंजॉय कर लो एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से सीधा बाइक पे। तो बाइक की जो हाल हो रखी थी भाई अभी आपको मैं दिखाऊंगा। मतलब ये तो अभी भैया ने पानी मार दिया दिखाने से पहले, बट एक बार यहाँ से देखो समझ में आ जाएगा कितना लेवल का भाई डस्ट जमा रखा था। मतलब एक वीक से मैंने बाइक को चलाया नहीं है, अभी भी पूरा डस्ट है। तो पहले इस पर भाई पूरा प्रेशर वॉश करवाएंगे। चेन स्पॉकेट देख सकते हो बाइक की कंडीशन तो कुछ ऐसी हो रखी थी अपनी बाइक। तो अभी पहले इसको वॉश करवाते हैं। तो फाइनली अपन आ चुके हैं अपने बाइक के ऊपर एंड ये रही अपनी बाइक भाई, काफ़ी प्यारी सी एंड चमचमाती हुई क्योंकि अपन आज इसे वॉश कराए। एंड अभी शाम के बज रहे हैं भाई 4:40 एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स हाईवे। तो आगे कुछ फ्रेंड्स हैं वो लोग वेट कर रहे हैं अपना एंड पीछे है बाकी सारे फ्रेंड्स। तो पहले सबको मैं आगे आने देता हूँ सो दैट मैं सबको दिखा पाऊँ। तो अभी हमने करवा लिया फ्यूल अप एंड ये भाई इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी बना रहे अपन क्योंकि भाई इंस्टा फैमिली को भी अपडेट रखना ज़रूरी है। तो अभी एक दो बाइक है वो और आने वाला, ये रही अपनी बाइक एंड मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक ये स्टिकर हट जाएगा कि 47 वाला। तो गाइस चलो चलते हैं यहाँ से राइड करते हुए क्योंकि सबको मैंने बोला कि आगे वेट करेंगे अपन। एंड गाइस अभी तक अगर किसी ने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो गो एंड फॉलो मी अप देयर, स्ट्रीट बन 15 इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। तो चलो अब सीधे मिलते हैं आप लोगों से बाइक राइड करते हुए ऑन हाईवे। आप लोग ना काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे भाई कि हाईवे जाओ, हाईवे पे वीडियो डालो क्योंकि बहुत दिन से अपन हाईवे जा भी नहीं थे। तो ये रही NS 200 हर्ष की एंड ये अपनी वैम। तो भाई इसका टॉप एंड भी कर लेंगे अगर आप लोग ने डिमांड किया तो भाई पूरा तो करना ही पड़ेगा। एंड अभी मिरर्स को मैंने ऑन कर लिया है सो दैट कि भाई बैक का जो व्यू है वो प्रॉपर मिलता रहे क्योंकि हाईवे पे भाई बिना रियर व्यू का भाई मज़ा नहीं आता चलाने में। तो अभी टोल प्लाजा के पास भाई कुछ फ्रेंड्स अपने वो वेट कर रहे हैं वहाँ पे एंड उसके बाद सब लोग वहाँ से साथ में राइड करेंगे क्योंकि भाई वहाँ से ना सीधा सीधा हाईवे है और यहाँ पे थोड़ा सा रश ज़्यादा मिलता तो हमने बोला कि टोल प्लाजा में मिलता है। फाइनली भाई इसका इंतज़ार था ये आ गया, यहाँ पे हमने कैमरा भी माउंट कर लिया है तो सारे लोग रेडी है। चलो अब चला जाए क्योंकि 10 मिनट वेट करना पड़ गया भाई और पता ना राइड पर अगर वेट करते तो भाई क्या हाल हो जाता अपना। जब राइड करने निकलते तो प्रॉपर राइड चाहिए, रुकना नहीं मांगता अपने को। तो चलो अब करते हैं राइड। साथ में V3 भाई अब होगा मजा।
R3 को ओवरटेक करने में ना लिटरली बता रहा हूँ R15 M की फट जाती है, पूरा पावर लगा देना पड़ता है भाई, अदरवाइज V3 इज लिटरली इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा बेटर मशीन है। क्योंकि आई हैड ऑलरेडी ओन्ड अ V3, मेरे को पता है, मैं काफ़ी टाइम से उसे राइड कर रहा था और अभी मैं इसे काफ़ी टाइम से राइड कर रहा हूँ, तो मुझे इन दोनों के कंपैरिजन में V3 ज़्यादा पसंद आई। एंड अभी भाई बार बार यहाँ पे कैमरा देखना पड़ता है अपने को, कैमरा सही से है अपनी, क्योंकि भाई कैमरा सही से है तो टेंशन नहीं है, अदरवाइज़ भाई यहाँ पे गिर गया अगर ना कैमरा तो सच बता रहा हूँ अलग जाने अपने। और मैं फर्स्ट टाइम ये वाला माउंट अपने R15 M में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ारा पे अपन यूज़ किए थे। तो गाइज अभी कमेंट करके बताना वीडियो किस किस को अच्छी लग रही है, और आजकल की जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ बिल्कुल आप लोग के टाइप की, जो आप लोग को चाहिए ऑन पब्लिक डिमांड। तो भाई बस वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए प्लीज़ डोंट ट्राई टू कॉपी दिस, हमेशा मैं बोलता हूँ वीडियो में, अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई बस इन्जॉय करो वीडियो एंड मज़े लो यार बैठ के घर पर आराम से। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, देख सकते हो अभी तक सनसेट हुआ नहीं है एंड अपन निकल चुके हैं भाई आप लोग के लिए वीडियो शूट करने। तो टाइम इज़ 5:12 इन द इवनिंग एंड लेट्स गो। इस टर्निंग के बाद से ना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ तक ना भाई थोड़ा सा रश ज़्यादा होता है एंड यहाँ पे भाई लोग कहीं से भी क्रॉस कर जाते हैं, देख सकते हो। एक बार ही मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, चलो कैमरा इज़ ओके एंड अब भगाई जाए। सब ऐसे ही हाईवे पे लगा के रखते गाड़ियाँ, मतलब कुछ इंडिकेशन भी नहीं कि गाड़ी रुकी है ख़राब है क्या है, बहुत संभाल के चलना पड़ता है यार। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इस वाले हाईवे पे ये है कि ये वाले जो टर्निंग है ना यहाँ पे ऐसे ट्रक वाले भाई यू टर्न लेते हैं, जिसकी वजह से भाई बहुत ही मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं इस जगह पे। अच्छे से काम कर रहा हूँ एंड वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है, फ्रेम भी अच्छा हो। चलो एक बार ही भगाई जाए फिर से।
रन किए लगभग 20 किलोमीटर, 20 और बाकी है अभी। ये मुझे भाई बोल रहा है, अब मैं इसको बोलता हूँ। बिल्कुल अपने पीछे था ये बंदा, काफ़ी दिन के बाद ना मतलब टॉप एंड भगा रहे ऐसे लीन करके ना, तो बैक में ना थोड़ा सा अभी मतलब बैक नेक पे पेन सा हुआ मुझे, एंड अब थोड़ा आराम से चलते हैं, काफ़ी हो गया रश। तो NS तो भाई बिल्कुल टक्कर दे रही है अपने R15M को, लेकिन वो BS4 NS200 है, फिर भी उससे आगे निकल जा रही है अपनी R15M। इट प्रूव्स दैट कि अगर आप टॉप एंड की बात करते हो तो टॉप एंड में भाई ये जो मशीन है ना 155cc की, ये NS RS दोनों को भाई प्यार से ले लेती है। आपने देखा भाई कितने प्यार से ले लिया अभी इसने, और उसका तो बात ही छोड़ दो, वो अभी भगा नहीं रहा। अदरवाइज अगर मेरे हाथ में V3 आ जाना, क्या कहते हो V3 चलाऊं क्या मैं? रुको बाइक स्विच करके बोलता हूँ मैं। नाउ इट्स टाइम टू स्विच द बाइक, और भाई मैं चलाने वाला हूँ V3। इसको भाई रहने देते या निकाल दे, इसको निकाल देते हैं, इसको रहने पर रिस्क है भाई इसका। तो गाइस मैं आ चुका हूँ R15 V3, एंड दिस इज़ द नॉन ABS वेरिएंट। तो चलो चलते हैं, एंड भाई अपनी V4 यानी अपनी R15M चला रहा साहिल, ये रहा हर्ष भाई। इस पे बैठते ही अलग फील आता है यार, क्या पंच है इसकी। बिना लीन किए 149 टच कर रही है बाइक, पीछे है रोहन R15M पे। चलो भगाई जाए, इसकी तो भाई प्यार से ले लेंगे अपन अभी। अपन पहुंच चुके हैं महाविहार, द डेस्टिनेशन जहाँ पे अपने को करना है अभी लंच। तो यहाँ पे लगाते हैं सारे बाइक्स को एंड फिर करते हैं बाकी की बातें। तो अभी जो हमारे साथ हुआ है वो आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये रहा साहिल का कैमरा, अभी बाइक स्विच किए थे, एंड भाई ये आपको मतलब ये वाला फुटेज वीडियो में आगे दिखा देंगे। ऐसे पुलिस आए और इसका रिएक्शन देखो क्या हाल हो रखा था बेचारे का। नया ग्लव्स क्या किया भाई? भाई कैसे कैसे उसको बचा के आना पड़ा, नहीं तो ग्लव्स जाता या तो हम कितने का ग्लव्स है बताना भाई? 2500 ग्लव्स था भाई, पहने भी नहीं था। आज ही फर्स्ट राइड पे लेकर आया था बेचारा, एक्सपीरियंस करना था। और रोहन का क्या था सीन? हम तो एकदम सीधा ही थे, आप पीछे देख के निकलिए तो गाड़ी स्टार्ट। भाई देखो ऐसे मोमेंट में रुकने का नहीं है भाई, निकल जाओ, एंड ये वाला क्लिप ऐड करेंगे। थंबनेल काफी अच्छा भाई, व्यूज देगा अपने को। चैनल का नाम बताओ? साहिल खान V3 न्यू स्टार अपकमिंग। अल्लू अर्जुन की बात यही है। अरे भाई डिस्क्लेमर डाले, वो डाल दिया जाएगा बाबू। और इसका HS मोटो ट्यूब
बेचारा पूरा पता तुम्हारा भाई, सब सब्सक्राइबर लोग मेरे कमेंट में आकर बोल रहा है सर बिग फैन बताओ। थैंक यू सर हमको थोड़ा प्रमोट करने के लिए, प्रमोट कर दीजिए, प्रमोट कर, लाइक करो फॉलो करो। तो अभी हमने ऑर्डर किया खाना, खाना खा के यहाँ से निकलते हैं, हैंड फिल करेंगे बाकी की बात बाइक पे। और मामू यहाँ पे आने वाले हैं और रुक भी गए हैं और हमें भागना पड़ेगा। एंड अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग टुवर्ड्स पटना, और भाई ये रहे सारे फ्रेंड। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल, वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर चलते हैं और इसके भी चैनल को भाई। एंड या गाइस मिलते हैं फिर अगली ब्लॉग में, एंड देन बाय बाय एंड राइड सेफ।